इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले कुछ सालों से यह तरीका इजाद किया गया है कि जब भी चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो धर्म विशेष के खिलाफ खुलकर एजेंडे चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक एक ही राह बनापा जाता है और यकीन मानिए इसमें इन्हें कामयाबी भी मिलती है और यही होता आ रहा है। अब जब फिर से बिहार के चुनाव नजदीक आए हैं तो धर्म विशेष खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाना शुरू किया जा रहा है। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो भाजपा मरकजी हुकूमत ने भारत के अवाम को यही दिया है, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, तीन तलाक, राम मंदिर, NRC, तबलीग जमात, कोरोना और तमाम में मुस्लिम समाज को ही निशाना बनाया गया है। यहाँ तक के दिल्ली फसाद के लिए JNU के उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। जब उमर खालिद पर कन्हैया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग मौजूदा दौर में इख्तदार पजीर है वो चाहते हैं कि देश में जो अख्तलाफ राय की आवाज है उसके साथ मुजरिमाना सुलूक किया जा रहा है। उन्हें फर्जी रिपोर्टों के आधार पर, उन्हें फर्जी बहसों के आधार पर, नकली वीडियो बनाकर, गलत तरीके का व्हाट्सएप मैसेज बनाकर उनकी ही कौम के बीच उन्हें बदनाम कर दिया जा रहा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर सरकार इतनी ही इंसाफ पसंद थी तो उन्होंने क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने खुलेआम गोली मारने की बात की, जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में दंगा भड़काने की बात की। उनको तो कुछ नहीं हो रहा, इस देश में दंगा भड़काने के फिरका पर ज़हनियत कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं तो इंसाफ की आवाज को दबाया जाता है। सिर्फ उमर खालिद ही नहीं बल्कि इस देश में जिस किसी शख्स पर जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। लिहाजा इसके बावजूद भी धर्मविशेष के खिलाफ साजिशें जारी है। एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस बार नया मौजू छेड़ते हुए मुस्लिम रेजिमेंट को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। BBC के फैक्ट चेक ने इसे गलत साबित किया हुआ है, पर क्या यह फैक्ट चेक हर शख्स तक पहुंचता है? मुस्लिम रेजिमेंट को लेकर यह झूठ फैलाया जा रहा है। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मुस्लिम रेजिमेंट ने हथियार डालते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ सकते, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसी जंग में अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे और इन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। पर एक मखसूस समाज के खिलाफ जो संघीय IT सेल कामों को अंजाम दे रहा है उसे कहीं तो मरकजी हुकूमत की हिमायत हासिल होने की बात कही जा रही है। तभी तो आजकल इस देश में सब कुछ खुलेआम उछल रहा है। अगर सुदर्शन TV पर UPSC जिहाद के नाम से खास प्रोग्राम चलाने की जरूरत क्या ऐसे ही की जाती है? लिहाजा एक बार फिर मुस्लिम रेजिमेंट की फर्जी कहानी बनाकर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उन लोगों को आला अफसर बनाएंगे जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की बजाय हथियार डाल दिए थे? मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्ताना मुस्लिम रेजिमेंट के इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि सेना में कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई रेजिमेंट थी ही नहीं। भारत की फौज में कुल मुसलमान 3% है और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में 50% है। पिछले 200 सालों से मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई टुकड़ी भारत की फौज में नहीं है, पर जिनके जहनों में नफरत का जहर भरा हुआ है इन्हें आखिर कैसे रोका जाए? नफरत का जहर फैलाने वाले भले ही कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सुरेश चौहान के कपिल मिश्रा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में काफी पिछड़े हुए हैं। अगर आज IPS IAS इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो इन पर सवाल उठाए क्यों जा रहे? क्या मुस्लिम माशरे की कामयाबी को ही देश विरोध समझा जा रहा है? आखिर भारत जिसकी खूबसूरती अनेकता में एकता है और यही इसकी बुनियाद है, तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं जो झूठे प्रोपोगंडे फैलाकर नफरत के शोले भड़काना चाहते हैं? क्या मरकजी हुकूमत इसका जवाब दे पाएगी या नफरत के सौदागरों की यूं ही हिमायत चलती रहेगी? इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।